नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि AGTA की जगह आने वाली है, इसी माह में AGTA की जगह आ जाएंगी। उसके लिए जो है आपको बहुत वीडियो जो है अपलोड किए जा रहे हैं, मैथ, साइंस, हिंदी, रीजनिंग, ऑल सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिल रहे हैं, और इनसे कहीं ना कहीं आपका जो है कल्याण होगा, आपका सिलेक्शन होगा। और आपको पता है कि आपका सिलेक्शन ही मात्र हमारा एक लक्ष्य है, आपको 2023 में AGTA की नौकरी दिलाना ही हमारा लक्ष्य है। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज एग्रीकल्चर की ये पांचवी श्रृंखला है, पांचवा जो है वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है मेरे मित्रों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। यहां से मैं आपको बता दूं, कम से कम 60 क्वेश्चन आपको एक वीडियो में मिलेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट मिलेंगे। 60 क्वेश्चन मिलेंगे, इससे कम नहीं मिलेंगे, और आपको वीडियो पसंद भी आएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, गन्ना का जन्म स्थान कौन सा देश है? गन्ना का जन्म स्थान कौन सा देश है? सबको पता है, लेकिन इससे आने वाले प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि गन्ना का जन्म स्थान कहाँ है? भारत में है। कहाँ है? भारत में है। तो ये किस कुल में आता है? कुल कुल होता है इसका ग्रैमनी। कहाँ? ग्रैमनी में इसका कुल है। ये ग्रैमनी कुल में जो है मेरे मित्रों आता है। जलवायु उष्णकटिबंधीय है। क्या जलवायु इसकी है? उष्णकटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय जलवायु इसकी उष्ण कटिबंधीय है। नेक्स्ट, तापमान 21 से 27 डिग्री होना चाहिए। तापमान 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है, सेल्सियस। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर वर्षा 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 का भी इसमें बहुत बड़ा महत्व है। वर्षा कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए वर्षा होनी चाहिए, वर्षा 100 से 180 सेंटीमीटर। कितनी? 100 से 180 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिट्टी कैसी, मृदा कैसी होनी चाहिए, कॉर्प या दोमट मृदा। ये किस मृदा में, किस मिट्टी में अधिक जो है जन्मता है, किस मिट्टी इसके लिए कैसी होनी चाहिए? मिट्टी होनी चाहिए कॉप या दोमट, कॉप या दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी इसके लिए, इस मृदा की आवश्यकता होती है, कॉप या दोमट मृदा की आवश्यकता। बोने का समय, बोने का समय, बोने का किस मौसम में यह है जो बोया जाता है, बोने का समय देखिए, शरद ऋतु। शरद ऋतु में इसका बोने का समय क्या है मेरे मित्रों? तो शरद ऋतु में इसका बोने का समय है अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में जो है शरद ऋतु में इसे बोया जाता है। और इसका एक और, बसंत ऋतु में फरवरी मार्च में बोया जाता है। बसंत ऋतु में इसे फरवरी और मार्च में बोया जाता है, फरवरी मार्च, ठीक है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ इसकी प्रजातियां भी हैं, वो देख लो, CO1148 मुख्य प्रजातियां, मुख्य प्रजाति CO1148, ये एक मुख्य प्रजाति है। इसके अलावा 1158419, 1158419 ये इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं जो गन्ना बोया जाता है। और COS 510, ठीक है, CO5510, ये ठीक है, ये भी एक प्रमुख मुख्य प्रजाति है मेरे मित्रों। इसका एक रोग होता है, गन्ने का एक बहुत फेमस रोग है, ठीक है, बहुत फेमस रोग है, जिसे हम बोलते हैं रेड रॉट। क्या? रेड रॉट, ये बहुत फेमस रोग है, इसे हम
इसमें गन्ना में ज्यादातर जो है रेड रॉट नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है मेरे मित्रों, जरूर यहां से बहुत फंसेगा, बहुत फंसेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। शीर्ष फल उत्पादक, शीर्ष फल उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा फलों का उत्पादन किन किन राज्यों में होता है? तीन राज्य वो कौन से हैं जो है फल उत्पादन में अग्रणी है? पहला, दूसरा, तीसरा, ये हमको बताना है। पहला, दूसरा, तीसरा में जो है फलों के उत्पादन में, देखिए मैं आपको बता दूं, ये आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये जो है फलों के उत्पादन में अग्रणी देश हैं। फलों के उत्पादन में अग्रणी देश, ठीक है, अग्रणी देश हैं, सॉरी राज्य हैं, अग्रणी राज्य हैं, ठीक है, फलों के उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। अब इसके बाद देखिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु जो है ये अंगूर के उत्पादन में प्रमुख राज्य हैं। यहां क्या किया जाता है, अंगूर के उत्पादन में इनका पहला, दूसरा, तीसरा स्थान है, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक ये प्याज उत्पादन में अग्रणी है। किसके उत्पादन में? प्याज उत्पादन में ये अग्रणी राज्य है। पहले पे महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक। आगे देखिए, ये जो है उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और बिहार, ये जो है आलू उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। आलू उत्पादन में अग्रणी राज्य, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन मिल गए, पहला, दूसरा, तीसरा स्थान भी जो है इसका पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे मित्रों। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, चीनी का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है? तीसरा प्रश्न, चीनी का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है? ये आपको पता होगा, चीनी का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है, यह है आपका तीसरा प्रश्न, ठीक है। तो चीनी का शीर्ष उत्पादक देश मैं आपको बता दूं, ठीक है, इसमें से जो है ब्राजील, ब्राजील जो है वो शीर्ष चीनी का सबसे ज्यादा जो है उत्पादन करने वाला जो है देश है, ठीक। 2019-20 में जो है भारत विश्व में चीनी के उत्पादन में जो है दूसरा स्थान रखता है। 2019-20 में चीनी के उत्पादन में, ठीक है, 2019-20 में भारत जो है विश्व में चीनी के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता था, दूसरा स्थान है इसका, ठीक है। और 2018-19 में चीनी के उत्पादन में पहला स्थान था भारत का, ठीक है। तो इस समय ब्राजील पहले नंबर पे है और भारत दूसरे नंबर पे है, ब्राजील पहले नंबर पे है और भारत दूसरे नंबर पे है, किसके उत्पादन में? चीनी के उत्पादन में, ठीक है। ब्राजील विश्व का सर्वाधिक निर्यातक राष्ट्र भी है। एक क्वेश्चन और यहां से है, ब्राजील जो है विश्व का सर्वाधिक निर्यातक राष्ट्र भी है, चीनी का निर्यातक राष्ट्र भी है चीनी का, ठीक है, ध्यान रखना। यहां से क्वेश्चन दोस्तों जरूर जरूर मिलेंगे, इसको जरूर ध्यान रखना, ठीक। शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य कौन से हैं? शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य भी देख लो, शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य, देखिए शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य, तो पहले स्थान पर आपका महाराष्ट्र है, पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर आपका यूपी है, तीसरे स्थान पर आपका कर्नाटक है। ये शीर्ष चीनी उत्पादक, हम राज्यों की बात कर रहे हैं, चीनी उत्पादक राज्यों की बात कर रहे हैं, ठीक है।
फरवरी 2022 तक, 15 फरवरी एक और इसमें ऐड कर लेना, 15 फरवरी 2022 तक चीनी का कुल उत्पादन, चीनी का कुल उत्पादन 220.91 लाख टन रहा। लाख टन जो है चीनी का उत्पादन दोस्तों रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। देख लीजिए, मैं थोड़ा अलग हट रहा हूं, आप देख लीजिए इधर से भी, ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, जलवायु के आधार पर फलों को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, ये है आपका 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। तो आपको बताना है जलवायु के आधार पर फलों को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। जलवायु के आधार पर फलों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में मित्रों फलों को बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं, आइए हम देखते हैं। उष्णकटिबंधीय फल पहला है उष्णकटिबंधीय फल, ठीक। और दूसरा है, देख लीजिए, उपोष्णकटिबंधीय फल, उपोष्ण कटिबंधीय फल। और तीसरा भी देख लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शीतोष्ण कटिबंधीय फल, शीतोष्ण कटिबंधीय फल, ठीक। ये जो है 3 प्रकार के फलों को जो है बांटा गया है, 3 प्रकार के फलों को बांटा गया है, ठीक। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल फ्रूट, ट्रॉपिकल फ्रूट, और सब ट्रॉपिकल फ्रूट, सब ट्रॉपिकल फ्रूट, ठीक है, सब ट्रॉपिकल फ्रूट। और तीसरे को जो है हम बोलते हैं टेम्परेट फ्रूट, क्या? टेम्परेट फ्रूट, ठीक है। ये 3 भागों में जो है फलों को बांटा गया है। अब ये 3 भागों में जो फलों को बांटा गया है, ये 3 भागों में जो फलों को बांटा गया है, ये तीनों भागों में इसके अलग फल होंगे, उपोष्णकटिबंधीय फल अलग होंगे, शीतोष्णकटिबंधीय फल अलग होंगे, इनको अलग अलग जो है बांटकर अलग अलग फलों को जो है रखा गया है। अब 2-4 में उदाहरण के तौर पर बता दे रहा हूं, ठीक है, जो पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, सब तो नहीं बताऊंगा लेकिन जो पूछे गए हैं उनको मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। आम, केला, पपीता, शरीफा, कटहल, इसमें है आम, केला, पपीता, शरीफा और कटहल, कटहल, ठीक है। तो ये उष्णकटिबंधीय फलों में जो है आएंगे। अब उपोष्ण में आएगा संतरा, नींबू, अमरूद, आंवला, इसमें आएगा आपका, इसमें संतरा, नींबू, अमरूद, संतरा, नींबू, अमरूद, इसके अलावा जो है आंवला, लीची, बेर और खजूर, आंवला, लीची, बेर और खजूर। अब जो हमारा टेम्परेट फ्रूट है, मतलब शीतोष्णकटिबंधीय फलों में क्या आएगा, इसको देखो, सेब, नाशपाती, बादाम, सेब, इसमें क्या आएगा, सेब, नाशपाती, बादाम, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, ठीक है मित्रों। ये जो है 3 भागों में बांटकर अलग अलग फलों को इसमें जो है रखा गया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेरे मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
नींबू में डाईबैक रोग किस तत्व की कमी से पाया जाता है? नींबू का डाईबैक रोग किस तत्व की कमी से पाया जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और, इससे पहले मैं आपको बता दूं, आज तक का ऑफर था आज ही तक रहेगा कि आपको पेट क्लास जो है 750 रुपए में, जो है 2499 से 750 रुपए में पेड क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है। 15 तारीख से सारी क्लासेस स्टार्ट है, उसमें जो है 750 रुपए में आपको सारा हमारा 1800 रुपए वाला जो हार्ड कॉपी वाला नोट्स है, आपको जो है फ्री पीडीएफ अवेलेबल कराया जाएगा, टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराया जाएगी, सब कुछ आपको इसमें मटेरियल मिलेगा। और कुछ जानने के लिए आप बैक में वीडियो पड़ा है, उसको आप देख लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। नींबू में डाईबैक रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो नींबू में डाईबैक रोग किस तत्व की कमी से होता है, मैं आपको बता दूं कि इसमें कॉपर की कमी से जो है, देखो कॉपर जो है इसमें नींबू का डाईबैक और नींबू का लिटिल लीफ रोग, नींबू का लिटिल लीफ रोग ये कॉपर की ही कमी से होता है। दोनों रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप दोनों रोगों को आपको याद करना है। एग्रीकल्चर चाहे आपके 50 प्रश्न आए चाहे 10 प्रश्न आए, इसके बाहर से नहीं आएगा, आपको मैं बता दूं। आगे देखिए, आगे जो मॉलिब्डेनम है, नींबू में येलो स्पॉट डिसऑर्डर इसमें क्या होता है, नींबू में येलो स्पॉट डिसऑर्डर नामक रोग जो है मॉलिब्डेनम, एम फॉर मॉलिब्डेनम की कमी से जो है हो जाता है। और जडन, आम बैंगन में लिटिल लीफ रोग, जडन जस्ता इसमें आम बैंगन में लिटिल लीफ रोग इसके अलावा इसी जडन में अमरूद में ब्राउनजिंग नामक रोग जो है वो जस्ता की कमी से हो जाता है, ठीक है। एक पीकन नट में गुच्छा रोग, पीकन नट में गुच्छा रोग भी इसकी कमी से होता है। जेडन मतलब जस्ता की कमी से, एमओ मतलब मॉलिब्डेनम की कमी से, सीयू मतलब कॉपर की कमी से। दोस्तों जरूर जरूर इसको पढ़ लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में छह सात सात क्वेश्चन में जो है देने की कोशिश कर रहा हूं। आगे अब जो है बोरान में जो है आम आंवले में आंतरिक निक्रोसिन, बोरान इसमें क्या होता है, इसकी बोरान की कमी से आम आंवले में आंतरिक निक्रोसिन नामक जो है रोग हो जाता है। आम आंवले में आंतरिक निक्रोसिन नामक रोग हो जाता है, ठीक है। अंगूर में डिसऑर्डर कटहल का आंतरिक ऊतक क्षय रोग, कटहल का आंतरिक ऊतक क्षय रोग इसी की कमी से हो जाता है, ठीक है, इसी की कमी से हो जाता है। तो ये इसका जो है आपका क्वेश्चन का जो है व्याख्या रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस सन में की गई? बहुत सरल क्वेश्चन है, हमने सरल क्वेश्चन को इसलिए पूछा है क्योंकि कई परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा गया है, आपको इसका आंसर आता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7-6 की तरफ जो है हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसका, मैं आपको बता दूं, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में की गई, मतलब देखिए जो
भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में की गई, इसको आप रट लेना। इसके अलावा 1950 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खोज की गई, 1950 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खोज की गई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खोज जो है 1950 में की गई। फिर 1957 में केंद्रीय भंडार निगम, केंद्रीय भंडारगार निगम की स्थापना की गई, कब? 1957 में। और 1985 में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना की गई है। 1985 में कृषि लागत मूल्य आयोग की स्थापना की गई है। ये चारों आपके सन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहां से कभी ना कभी एक क्वेश्चन जो है जरूर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? अब देखो, रासायनिक नाम तो आपको आता है, नो डाउट। हम देखो, क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं बेसिक कि एग्जामिनर जरूर पूछ लेता है, लेकिन उनको याद करने का तरीका भी तो आना चाहिए, याद करने का तरीका भी तो आना चाहिए मेरे मित्रों। अब एक तरीका मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, विटामिन डी का रासायनिक नाम। एक तो सिंपल तरीका है। देखिए सिंपल तरीके में क्या है, रथ एक टाफी, एक तो ये है, विटामिन ए बी सी डी ई के, ए बी सी डी ई के, ये अलग अलग विटामिन हो गए। अब देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम, अब इसको भी मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रासे रेटिनॉल, विटामिन बी का था से थाइमिन, विटामिन सी का एस्कार्बिक एसिड, ठीक, और विटामिन डी का से कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टा से टोकोफिरॉल, और विटामिन के का फी से फिफिनाफ्थो क्यूनोन, क्यूनोन। मतलब ये अलग अलग चीजें जो हैं ये आपको एक साथ निकल आएंगी। लेकिन एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए इसमें सीधे सीधे आपको पूछा गया है विटामिन डी का रासायनिक नाम, तो डी का से कैल्सीफिरॉल, ये आपका ए इज अ राइट आंसर आपका हो गया। अब मैं देखिए एक चीज और बता रहा हूं, जैसे हमने कहा विटामिन, विटामिन से संबंधित एक चीज और बता रहा हूं, जैसे वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? देखिए वसा में घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन कौन से हैं? एडेक, देख लीजिए ध्यान से सुनिएगा, ए डी के, एडेक है। अब इनसे देखो एक मैं फार्मूला बनाया हूं, रमेश आर से देखिए क्या बनाया हूं, देख लीजिए, रमेश चंद्र तिवारी नेशनल लेवल के खिलाड़ी थे, आर से आरसीटीएन, आरसीटीएन रमेश चंद्र तिवारी नेशनल लेवल के खिलाड़ी थे। ये है विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन एडेक, एडेक 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 आरसीटीएन। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आपको मैं ऐसी चीज बताऊंगा। देखिए विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम देखिए रेटिनॉल है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफिरॉल, और विटामिन के का रासायनिक नाम नेफ्थो
क्यू नॉन। ठीक। अब एक चीज और देखिए, इसी में एक चीज देखिए मेरे मित्रों, एक चीज, विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? आर, आर मतलब रतौंधी, रतौंधी, आर मतलब रतौंधी। विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? आर, आर मतलब रिकेट्स, रिकेट्स। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? आर, आर मतलब रिप्रोडक्टिव एनर्जी लॉस, रिप्रोडक्टिव एनर्जी लॉस मतलब जनन क्षमता में कमी। के मतलब आर से रोग होता है, मतलब रुधिर स्त्राव। क्लियर हुई चीजें? तो मतलब मेरे कहने का मतलब है, ऐसा पढ़ो कि भूलो ना, और क्वेश्चन आराम से कर लो। स्टडी विद नीरज सर का लक्ष्य सिर्फ आपको पढ़ाना, और अच्छा पढ़ाना है जिससे आपका सिलेक्शन हो। आइए आगे बढ़े, आगे बढ़े, देख लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेब को चाकू से काटने पर उसका रंग किसके कारण भूरा होता है? अब भाई जब सेब को आप चाकू से कभी काटे होंगे तो उसका रंग जो है तुरंत भूरा हो जाता है, वो किस लिए होता है? वो किस लिए होता है इसको भी जो है देख लो, वो किस लिए होता है सेब को काटने से जो है इसका भूरा रंग। ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेब जो है एंजाइम के कारण जो है ये भूरा रंग इसका हो जाता है। किसके कारण? एंजाइम के कारण, एंजाइम के कारण इसका भूरा रंग जो है हो जाता है। तो कुछ चीजें आप सेब के विषय में जान ले, कुछ चीजें आप सेब के विषय में जान ले। ठीक। वनस्पति नाम मैलस क्यूमला। इसका जो सेब का वनस्पतिक नाम जो है, वनस्पतिक नाम जो है ठीक है वो है मैलस, मैलस प्यूमिला। ठीक। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। मैलस प्यूमिला कुल रोजेसी है, कुल इसकी रोजेसी है, कुल कौन सा है? रोजेसी है। ठीक। उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम एशिया। इसकी उत्पत्ति कहां हुई? दक्षिण पश्चिम एशिया में हुई। आगे और देख लेते हैं। शीतोष्ण जलवायु का पौधा है, शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। ठीक है। पौधा, इसे जूठा फल भी कहते हैं, जूठा फल, ध्यान रखना। ठीक है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश को एप्पल बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ए हिमाचल प्रदेश को एप्पल, APPLE एप्पल, बाउल, BWL बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अच्छा, सबसे ज्यादा सेब किस जो है राज्य में होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा जो सेब उत्पादन में जो पहला स्थान है, सेब उत्पादन में पहला स्थान, उत्पादन में पहला स्थान ठीक है, वो किसका है? वो है जम्मू एंड कश्मीर का। दूसरे पे कौन है? दूसरे पे जो है आपका HP है, हिमाचल प्रदेश। अगर हम कह दें सेब उत्पादन, सेब उत्पादन में कौन सा राष्ट्र आगे है, राष्ट्र नंबर वन कौन सा है सेब उत्पादन में? राष्ट्र नंबर वन जो है मैं आपको बता दूं, चीन, चीन है पहले स्थान पर, फिर दूसरे स्थान पर USA है, और तीसरे स्थान पर अपना इंडिया है। इतना जो है आप सेब के विषय में ध्यान रखेंगे, आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 9 नंबर पे। देखिए, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी ये जो है निकल जाता है। अब बाकी विटामिन ए बी सबके विषय में तो मैंने बता ही दिया है। 10 नंबर पे आते हैं। फल तथा सब्जी प्रसंस्करण की स्थापना कब की गई? फल तथा सब्जी प्रसंस्करण की स्थापना कब की गई? देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फल तथा सब्जी प्रसंस्करण की स्थापना कब की गई? तो 1 जनवरी 1993 को फल तथा सब्जी प्रसंस्करण की स्थापना की गई। ठीक।
ठीक है। ये मित्रों 10 प्रश्न हैं, आपको 10 प्रश्न में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको मैं एक चीज और बता दूं, जो है देख लीजिए, एक चीज ध्यान से सुनिएगा, आपको फ्री टेस्ट वगैरह देना है या और अन्य चीजों की तैयारी करना है तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, ठीक है, और स्टडी विद नीरज सर ऐप को डाउनलोड करिए। स्टडी विद नीरज सर ऐप को डाउनलोड करिए, ठीक है। उस पर मैं आपको बता दूं, 750 रुपये का पैड बैच है। इस पैड बैच में आपको लाइव क्लासेस, ऑडियो रिकॉर्ड, लाइव क्लासेस, वीडियो रिकॉर्डिंग जितने होंगे सारे, और प्लस नोट्स जो आज तक हमारे पास था सारा आपको जो है फ्री में पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। ऑनलाइन फ्री टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब कुछ है। आप जाके जरूर विजिट करिए दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।